तो हेलो, कैसे हो आप लोग? तो मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मैंने पहले PSP के बारे में वीडियो बनाया था, तो आज मेरे को एक चीज़ मिला। तो इसका जो मेन 8-bit बोल के गेमिंग कंसोल था, तो पहले PlayStation 1 ये सब नहीं था। मैं बहुत साल पहले का बात बोल रहा हूँ, बचपन का बात बोल रहा हूँ। 90s का जमाने का जो कंसोल था वो मेरे पास था, लेकिन अभी वो कबाड़ वाले के पास चला गया है। तो उसका एक रिमोट है मेरे पास। तो हर कोई अभी स्ट्रीम कर रहा है, गेम खेल रहा है, लेकिन सभी बोलते हैं जो हम लोग बचपन से खेल रहे हैं, लेकिन चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। हम लोग भी बचपन से ही गेम खेलता है, तो मेरा मेरा हर चीज़ें संभाला हुआ है, लेकिन वो कुछ मेरा जो सिस्टम जिसमें कैसेट लगाने वाला था तो कुछ मतलब खराब हो गया था, तो उसको बंगर वाले को पास दे दिया। तो यही है, हम लोग बचपन से गेम खेलते हैं, और अभी तो सभी गेमर हो गया है, सभी ने स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है। लेकिन वही बात है, सब बोलते हैं हम लोग बचपन से खेलते हैं, लेकिन चीज़ों को संभाल के भी रखना चाहिए। तो मैं अपने चीज़ें बहुत संभाल के रखता हूँ, और मेरा पहले वाला वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था, मेरा 12 साल पुराना जो PSP है वो भी चल रहा है, अभी भी बहुत मस्त चल रहा है। तो ये रिमोट है मेरे पास जो 8-bit का, जो उस टाइम में बहुत फेमस गेम हुआ करता था, सुपर मारियो कॉन्ट्रा, और उसमें टेकन भी चलता था। तो उसमें एक कैसेट आता था, 3-in-1, 4-in-1, 10-in-1, ऐसे कुछ करके गेम कैसेट आता था। लेकिन वो कैसेट है मेरे पास, लेकिन कहाँ है बहुत ढूंढना पड़ेगा। तो रिमोट मिल गया तो उसके ऊपर ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्ले स्टेशन का जैसा रिमोट है, R1, R2, L1, L2 है। और ये रिमोट जो है, जो कंसोल से मिला था वो रिमोट नहीं है, वो तो खराब हो गया। उसके बाद मैंने ये वाला प्ले स्टेशन का जैसे एक रिमोट लिया था, मतलब कंट्रोलर, ये भी अभी भी चलता है, लेकिन अभी तो वो चीज़ नहीं है। और उसका इसमें 6 या 12 पिन वाला जो प्लग होता है, जो लगाने वाला, ये ऐसा होता है। तो पहले ऐसे ही मॉडल आता था, अभी तो प्ले स्टेशन आ गया, अभी तो वीडियो गेम का जमाना ही बदल गया। तो यही था, और मैंने बोला था मेरे पास PlayStation 1 था, तो PlayStation 1 तो अभी वो नहीं है, वो भी भंगार वाले के पास चला गया। लेकिन मतलब उसको खराब हो गया, तो मेरा भाई ने उसको भंगार वाले के पास दे दिया। और ये है PlayStation 1 का मेमोरी कार्ड, देखिए उसमें डेट भी लिखा हुआ है, 2009 है शायद। तो ये कार्ड अगर लगाओगे तो आपका गेम सेव होगा। ये सोनी का PS1 था, तो जब PS1 निकला, जब इसके मैंने जब ये वीडियो गेम खेला, उसके बाद जब PS1 निकला है, तब मैंने PS1 लिया। तो उसके बाद से मैं पीसी मैंने कंप्यूटर ले लिया, उसके बाद मैं पीसी गेम्स ही खेलता हूँ, Max Payne 1 ये सब। उसके बाद हिटमैन था, बहुत पुराना था वो सब गेम उस जमाने में, तो उस जमाने से हम लोग खेलते हैं। और यही था, ये PlayStation 1 का जो अभी PlayStation 1 का जो कंट्रोलर है वो भी मेरे पास, मतलब जो रिमोट है वो भी मेरे पास है, लेकिन कहाँ है देखना पड़ेगा। तो ये सामान मेरे सामने था, तो मैंने आपको दिखा दिया। ये मेमोरी कार्ड लगाओगे तो आपका गेम सेव होगा, अगर टेकन खेल रहे हो तो कुछ प्लेयर लॉक होता है, तो ये मेमोरी कार्ड लगाने से उसको भी अनलॉक कर सकते हो खेल खेल के। तो ये था, हम और मेरे चैनल पे जाइए, हम लोग मैंने बहुत अच्छा गेम प्ले किया है, और जाके देखिए मेरे चैनल पे। मैं पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी उतना नहीं खेलता हूँ, थोड़ा बहुत ही खेलता हूँ। अभी तो पबजी तो बैंड ही हो गया, अच्छा हुआ बैंड हो गया। तो और मैं PC का जो गेम है वो सभी खेलता हूँ, कैंपिंग गेम खेलता हूँ मैं ज़्यादातर। मेरा चैनल पे जाके देखिए, बहुत सारे गेम है जो मैंने अपलोड किया है, और देखिए, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और मैंने बोला था कि PSP जो प्ले स्टेशन का जो पोर्टेबल प्ले स्टेशन है, PSP, उसका गेम आप कैसे, गॉड ऑफ वॉर ये सब गेम कैसे आप कंप्यूटर में खेल सकते हो, पीसी पे, अपने पीसी पे खेल सकते हो, मोबाइल पे खेल सकते, लेकिन थोड़ा हाई एंड PC होना चाहिए, क्योंकि वो एक एमुलेटर आता है PSP का, एक एमुलेटर आता है, उसके
उसको लगाने के बाद ही आप खेल सकते हो। तो उसका ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आपको चाहिए तो। और वो पीएसपी का गेम भी आप मोबाइल में खेल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा अच्छा डिवाइस होना चाहिए, 3-4 RAM उसमें हो जाए तो चल जाएगा। तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। और मैंने नया पीसी बनाया है, बहुत ही मस्त पीसी बनाया है बहुत। तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे को जल्दी अभी 1K तक जाना है। जब मेरा 1K कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपना सेटअप दिखाऊंगा। मैंने बहुत चीज़ और बन लगाना बाकी है सेटअप में। तो मैं कंप्यूटर बना लिया, और कुछ चीज़ें मैं PlayStation 4 भी लूँगा, उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत मतलब वीडियो लाऊंगा गेम का, नए नए गेम का वीडियो लाऊंगा, लेकिन वही सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।